तो ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ आज कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के सांसद विजय चौक से राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक से आगे नहीं जाने दिया। विरोध में राहुल गांधी विजय चौक पर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस नेता हंगामा कर रहे हैं सोनिया पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में। कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, पुलिस ने अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया है। बसेस बुलाई गई हैं, इसी में भरकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, यहां से हटाया जा रहा है। कांग्रेस ने आज देश भर में मौन सत्याग्रह का ऐलान किया था, लेकिन शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं। दिल्ली में महिला कार्यकर्ता ब्लैक बलून लेकर भी पहुंची, सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। और ये तस्वीरें अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, उठा करके पुलिस जो है वो ले जा रही है। देखिए, महिला सांसद हो, पुरुष सांसद हो, तमाम सांसदों को डिटेन करके यहां से ले जा रही है पुलिस। और इससे पहले हमने देखा मार्च किया था कांग्रेस सांसदों ने, और इसके अलावा देखिए अभी जो तमाम सांसद उनको डिटेन यहां से किया जा रहा है। दिल्ली के विजय चौक पर इस वक्त हम हैं, और राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे कांग्रेस के तमाम सांसद, ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपना चाहते थे अपनी तमाम मांगों को लेकर। उसमें महंगाई का मुद्दा था और सेंट्रल जांच एजेंसी के दुरुपयोग का मसला भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और अभी विजय चौक पर ये अफरा तफरी का एकदम से हम कहें यहाँ से लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस। तमाम सांसद हैं जिनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है विजय चौक से। राष्ट्रपति भवन फिलहाल जाने की कोई इजाजत तमाम सांसदों को नहीं दी गई है। तो अभी देखिए, ये तमाम सांसद यहाँ से डिटेन करती हुई दिल्ली पुलिस। कैंपसल प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो देखिए, विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे सहयोगी विजय चौक पर मौजूद हैं, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल जो तमाम सांसद हैं कांग्रेस के दोनों ही सदनों के, वो मार्च कर रहे थे संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की तरफ, कूच करना चाहते थे, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन विजय चौक पर ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। पुलिस ने जब रोका तो कांग्रेस के जो तमाम सांसद, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, वो बैठ गए धरने पर विजय चौक पर ही, और फिर उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो पुलिस की बसेज हैं, उनमें इन तमाम सांसदों को भरा गया, क्योंकि इजाजत नहीं थी इस तरीके के प्रदर्शन की। धारा 144 का हवाला दिया गया था, उसके बावजूद कांग्रेस के जो तमाम जो सांसद हैं वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करना चाहते थे। विजयलक्ष्मी, आपको आवाज मिल रही है, तो अभी बताइए कि कौन कौन वहां पर हैं और कितने लोगों को अभी तक डिटेन कर लिया गया भी है कांग्रेस पार्टी के। फिलहाल पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच में यहाँ पर देखिए जो है तीखी नोकझोंक भी हो रही है। सर, प्रोटेस्ट, आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन परमिशन नहीं है, तो हम जा रहे हैं जहाँ लेके जाएंगे वहाँ पे। मानिकम टैगोर भी है। मानिकम जी, यहाँ पर आप लोगों ने विजय चौक पर प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ से आपको डिटेन कर लिया गया है, क्या राष्ट्रपति से मिलने जाना चाहते थे? कोई अपॉइंटमेंट आपको मिला था उनसे, या आप आगे की रणनीति? हम लोग विजय चौक में आके मीडिया में ब्रीफ करना चाह रहे थे, उसका बाद राष्ट्रपति जी से लोगों ने टाइम मांगा था, टाइम नहीं आया। हम लोग पीसफुल तरीके से, आप लोगों ने देखा है, हम लोग कोई बहुत शांतिपूर्व तरीके से हम लोग आए थे हमारा विरोध दिखाने के लिए और ईडी का मिसयूज के लिए, बट पुलिस कहाँ लेके जा रही है पता नहीं है हमें। अब आगे क्या राष्ट्रपति से जो समय मांगा है, जब हम मांगेंगे पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस सारे हम यूज करेंगे, हम शांतिपूर्व तरीके से हमारा विरोध दिखाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे, ये मणिकम टैगोर कह रहे हैं। लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, तस्वीरें दिखा रही है, ये दो तस्वीरें, हिरासत में सांसदों को लिया जा रहा है धरने पर, राहुल गांधी भी बैठ गए हैं। और विजय लक्ष्मी, अभी क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि हमने देखा है जो महिलाएं वहां पर पहुंची हैं, उन्होंने ब्लैक बैलून्स भी छोड़े हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, सत्याग्रह मौन प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई थी, लेकिन पिछली बार हमने देखा था जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जा रही थी उस वक्त किस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ था, कई जगह आगजनी भी कर दी गई थी। आज क्या सड़कों पर शांतिपूर्वक तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको? देखिए, इस वक्त हम विजय चौक की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, और देखिए तमाम सांसदों को यहाँ पर डिटेन करके
दिल्ली पुलिस की तरफ से ले जाया जा रहा है। तमाम बड़े नेता हैं जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको डिटेन करके बस में बैठा करके दिल्ली पुलिस ले जा रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे, राष्ट्रपति के पास समय मांगा था और अपना ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को देना चाहते थे, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं दी गई और जबरन उनको जो है डिटेन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद जो हैं लगा रहे हैं। बहरहाल देखिए, विजय चौक पर जो तमाम सांसद हैं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं नेता विपक्ष हैं, उनको लेकर के दिल्ली पुलिस यहां से आगे बढ़ रही है, उनको भी डिटेन करके आगे ले जाए कर रहे हैं। मुझे भी धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये उनका गवर्नमेंट का रवैया है और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और पुलिस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये चल रहा है। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है और वो तरीका अपना रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं, हम फाइट करेंगे, करते रहेंगे। चलिए देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये एक तरीके से साजिश है और सरकार ने जो है पूरी ये आरोप तमाम तरह के सरकार पर लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राज्यसभा में। और अभी देखिए, तमाम सांसदों को एक एक करके दिल्ली पुलिस यहां से डिटेन कर रही है। बसें जो हैं वो दिल्ली पुलिस की यहां पर खड़ी हैं जो तमाम सांसदों को डिटेन करके ले जा रही हैं। प्रमोद तिवारी जी हैं, सर आप लोगों को यहां से ले जा रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। देखिए, अगर कभी तानाशाही नहीं देखी है, मौका है देख लो, वो है संसद। 7 दिन से वहां बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोलने दे रहे हैं। अब महंगाई पर, मिस यूज ऑफ एजेंसीज पे, तो अब हम अपनी महामहिम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, नई नई चुनी गई हैं, वहां भी नहीं जाने दे रहे हैं। इसी को तानाशाही कहते हैं। हम बोलने नहीं देंगे किसको, जो निर्वाचित संसद सदस्य। इस वक्त आपको मिल गया था राष्ट्रपति से, आपने समय मांगा है या राष्ट्रपति के पास जाएंगे हम सारे सांसद, तो हमें समय नहीं देंगी। ज्ञापन तो हम देके चले आएंगे, कोई तो रिसीव करेगा, यही तो परंपरा है लोकतंत्र की। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की परंपरा है और इसके बावजूद ये तमाम जो सांसद हैं उनको यहां से हटाने की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, प्रमोद तिवारी को हम सुन रहे थे, जिनका कहना है कि हम राष्ट्रपति के पास जाना चाहते थे और उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे और सांसदों की आवाज को दबाया जा रहा है। विजय लक्ष्मी, एक विपक्ष की एकता की बात भी कही जा रही थी, कांग्रेस की कोशिश थी कि इस बहाने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर लें, कोई साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है विपक्षी दलों का और अन्य विपक्षी दलों का, या सिर्फ कांग्रेस के ही सांसद हैं यहाँ पर? कोई दूसरा एपी नहीं है। चलिए, आवाज विजय लक्ष्मी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं उन्होंने संसद भवन से अपना मार्च शुरू किया, राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने विजय चौक पर ही इन तमाम सांसदों को रोक लिया। यहां से इन तमाम सांसदों को डिटेन भी अब पुलिस कर रही है, चूंकि यहीं पर धरने पर बैठ गए थे, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ यहां पर मौजूद थी, क्योंकि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कांग्रेस मार्च करने जा रही है। इजाजत प्रशासन की तरफ से दी नहीं गई थी, धारा 144 लगी हुई है, यह हवाला प्रशासन की तरफ से दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सांसदों ने मार्च शुरू किया। राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च जाना था, लेकिन विजय चौक पर बीच में ही इस मार्च को रोका गया। वहीं पर धरने पर बैठ गए तमाम कांग्रेस सांसद, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे, लेकिन अब इन तमाम सांसदों को यहां से डिटेन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।